हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब लोग देखिए, आज मैं आपको कुछ एक यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। आज मॉर्निंग में मैं अपना एक गूगल का जो एनालिटिक्स डैशबोर्ड है वो देख रहा था। गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड जो मेरे चैनल का है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो है और ये मेरा चैनल डैशबोर्ड है। और जैसे मैं एनालिटिक्स सेक्शन में और बिल्ड एन ऑडियंस पे गया इस टैब पे, तो मैंने ये देखा कि जो फीमेल फॉलोअर्स है मेरे चैनल पे वो लगभग लगभग 56% है और मेल जो फॉलोअर है वो 43% है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि फीमेल फॉलोअर्स ज़्यादा क्यों है, और मैंने कुछ रिसर्च भी किया नेट पे। तो मैंने ये देखा कि जो फीमेल ट्रेडर्स होते हैं उनके रिजल्ट्स जो उनके जो मेल काउंटरपार्ट्स है या मेल ट्रेडर्स है उनसे काफ़ी अच्छा है। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ रिसर्च किए, कुछ पेजेस है वाइट पेपर्स जो कि काफ़ी पहले भी बने हैं, कुछ 2017 के हैं, कुछ 2018 के भी हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे दिखी। जैसे स्टडीज हैव द फैक्ट शोन दैट ट्रेडर्स मेल ट्रेडर्स आर 2.5% मोर लाइकली टू ब्रेक ट्रेडिंग रूल्स देन वुमेन। देन ऐसे काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं मुझे यहाँ पे मिली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है कि द स्टडी फाउंड दैट मेन मेड 45% मोर ट्रेड्स देन वुमेन एंड दैट इज डिफरेंशियल रिड्यूस द नेट रिटर्न्स ऑफ द मेन बाय ऑलमोस्ट 1% पर ईयर। और यहाँ पे भी, इस पेज पे भी आप देखोगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे यहाँ पे भी मिली कि देखिए, द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज पर्सनल एंड हाउस होल्ड फाइनेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम इन द राइट प्लेसेस has a lot of practical benefits. It also makes one more likely to become a successful financial trader. So दोस्तों, इन सब को गैदर करके मैंने एक लिस्ट बनाई है अपने कंटेंट में, जो वीडियो कंटेंट में वीडियो के अगले सेक्शन में आपको दिखाऊंगा, जिसमें ये है कि वुमेन ट्रेडर्स जो होते हैं या वुमेन एंटरप्रेनर्स जो होते हैं वो बेटर क्यों होते हैं मेन से, और ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो उनको डिफ्रेंशिएट करती है मेन से। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, और अगर आप मेन है तो भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ क्वालिटीज़ आपको ऐसी मिलेगी जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, और कुछ वुमेन इसलिए देखे कि क्योंकि उनको ये मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए कंटेंट पे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप एक रेगुलर विजिटर है मेरे चैनल को तो प्लीज़ मेरे आने वाले वीडियोस भी देखते रहिए, इससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू। तो चलते कंटेंट पे। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए, इस कंटेंट का जो टॉपिक है वो है व्हाई वुमेन कैन बिकम वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर्स इजीली। सो वुमेन जो है वो सक्सेसफुल ट्रेडर्स बहुत इजीली बन सकती है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो बाय स्टडी प्रूवन है। और जैसे कि मैंने आपको कुछ वाइट पेपर्स दिखा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि जो क्वालिटीज़ उनको काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडर्स बना सकती है। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो इनमें एक डिफरेंशिएटर मानी जाती है? सो द फर्स्ट थिंग इज, स्टडी कैरिड आउट शोड दैट फीमेल ट्रेडर्स लॉस्ट लेस मनी देन मैन इन ट्रेडिंग बिजनेस। तो ये स्टडीज़ बनाई गई है और ये पब्लिश्ड है कि फीमेल ट्रेडर्स जो होते हैं, हालांकि ये ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो मेल डोमिनेंट है, बट फिर भी जितने भी फीमेल ट्रेडर्स है कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स, दे हैव लॉस्ट लेसर मनी देन मेन इन ट्रेडिंग बिजनेस। वुमेन स्पेंड टाइम इन स्टॉक इवेल्यूएशन एंड मेक नो डिसीजन इन हरी। ये भी एक क्वालिटी देखी गई है कि जो वुमेन ट्रेडर्स होते हैं, फीमेल ट्रेडर्स जो होते हैं, वो टाइम ज़्यादा देते हैं स्टॉक को इवेल्यूएशन करने के लिए, स्टॉक को समझने के लिए, और उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो एक हरी में नहीं होता, जल्दी जल्दी बाजी में उन्हें वो कोई डिसीजन नहीं लेती, वो एक टाइम स्पेंड करके रिसर्च और एनालिसिस करके ही डिसीजन लेती है। थर्ड पॉइंट इज, फीमेल ट्रेडर्स हैव कामर अप्रोच टू फाइनेंशियल क्रंच। अगर कुछ फाइनेंशियल क्रंच भी आता है, जैसे कुछ ट्रेड अगर उनके लॉसेस में भी जाते हैं, तो उनका अप्रोच जो होता है वो कामर होता है, एक शांतिपूर्ण अप्रोच होता है, ना कि एक पैनिक अप्रोच या गुस्से वाला अप्रोच जिसे कहते हैं वो होता है, वैसे नहीं होता, उनका एक कामर जो है उनका काम अप्रोच होता है। फोर्थ पॉइंट इज, वुमन फाउंड टू बी मोर कॉन्ट्रारियन इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है, देखिए दोस्तों, कि कॉन्ट्रारियन कॉल वो ज़्यादा ले सकते हैं वुमन, जो कि मेन की एबिलिटी नहीं होती कॉन्ट्रारियन कॉल लेने की। जैसे
सपोज कोई स्टॉक जो है वो सीवियर पैनिक में गिर रहा है तो वुमन उसको बाय कर सकती है व्हेन द प्राइस फॉल इज़ वेरी सीवियर एंड वाइस वर्सा. देखिए अगर कोई स्टॉक काफ़ी ऊपर उठ चुका है या उठ रहा है तो वुमन ट्रेडर्स जो होते हैं वो उनको सेल कर सकती है. तो ये एक कॉन्ट्रेरियन कॉल होता है जो वुमन बहुत इजीली ले सकती है, ना कि मेन ले सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज पेशेंस लेवल इज प्रूवन टू बी वेरी हाई इन वुमन मेकिंग देम सक्सेसफुल ड्यूरिंग अ रनिंग ट्रेड. इसका मतलब वो ये होता है कि जैसे रनिंग ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड चल रहा हो, तो उसमें पेशेंस लेवल जो है वुमन की ज़्यादा देखी गई है एज पर स्टडीज कंपेयर टू मैन. वुमन विल ऑलवेज फॉलो द ट्रेडिंग रूल्स एंड लेस लाइकली टू ब्रेक देम. स्टडीज़ ये भी बताती है कि जो फीमेल ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग रूल्स काफ़ी अच्छी तरह फॉलो करते हैं, उनको ओबे करते हैं और उनको ब्रेक ज़्यादातर नहीं करते कंपेयर टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स. मोर देन 58% ऑफ वुमन आर फाउंड टू बी प्लेसिंग शॉर्ट सेल ऑर्डर करेक्टली. इसका मतलब ये दोस्तों कि देखिए जो शॉर्ट ऑर्डर्स होते हैं या सेलिंग के जो ऑर्डर्स होते हैं, शॉर्ट सेल जिसे कहते हैं मार्केट में, उसे वुमन अच्छी तरह एग्जीक्यूट करती है रादर देन कंपेयर टू देयर मेल काउंटरपार्ट. देखिए 58% ऑफ वुमन आर फाउंड टू बी सक्सेसफुल, मतलब करेक्ट प्लेसिंग ऑफ द कॉल हैज़ हैपन्ड बाई 58% ऑफ वुमन. सो ये एक अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों. रेफरेंसिंग टू ईगो फैक्टर, वुमन आर मोर लाइकली टू एडमिट दैट दे हैव मेड अ मिस्टेक, दे हैव मेड अ रॉन्ग ट्रेडिंग डिसीजन एंड करेक्ट इट क्विकली. वुमन जल्दी से जल्दी एडमिट कर लेती है कि उनका जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो गलत गया है और वो उसको करेक्ट कर लेती है दोस्तों. हालांकि मेल काउंटर पार्ट्स में ये थोड़ी डिफिकल्टी देखी गई है कि ईगो फैक्टर की वजह से वो जल्दी से जल्दी एडमिट नहीं करते और ट्रेड में बने रहते हैं और लॉसेस उनके बढ़ते जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टडी फाउंड दैट मेन मेड 45% मोर ट्रेड्स देन वुमन. सो मेन जो है वो ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं और जब भी ऐसा देखा गया है कि जब भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो और ट्रेडिंग उनकी बढ़ती जाती है, ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं एंड दैट दिस डिफरेंशियल रिड्यूस द नेट रिटर्न्स ऑफ मेन बाय ऑलमोस्ट 1% पर ईयर. सो 1% पर ईयर इनके जो रिटर्न्स है वो रिड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स. नेक्स्ट पॉइंट इज फीमेल्स हैव द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज पर्सनल एंड हाउस होल्ड फाइनेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम इन अ राइट प्लेसेस. सो ये तो ये सब जानते हैं कि फीमेल्स में एक एबिलिटी होती है पर्सनल और जो हाउस होल्ड फाइनेंसेस होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करें और उसको अच्छी तरह निभाए चलाए. सो दिस मेक्स देम मोर लाइकली टू बिकम अ सक्सेसफुल फाइनेंशियल ट्रेडर. सो फाइनेंशियल ट्रेडर या फाइनेंस फील्ड में उनको सक्सेसफुल बनाने की एबिलिटी ही यही है कि वो ऑर्गेनाइज ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल एंड हाउस होल्ड फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज अच्छी तरह कर सकती है. फीमेल ट्रेडर्स ऑब्जर्व द टू बी ऑबेइंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी रूल. ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ रूल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं, बट जो फीमेल या जो वुमेन ट्रेडर्स है वो ऐसे ऑब्जर्वेशन हुआ है कि वो अच्छी तरह फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी रूल्स एंड दे आर मोर सिलेक्टिव एंड मेथोडोलॉजिकल इन सिलेक्टिंग स्टॉक्स. तो ये एक पॉइंट था. और नेक्स्ट पॉइंट इज वुमन कैन ईजिली से नो एंड हेंस इट इज़ प्रूवन बाय स्टडी दैट दे टेंड टू गो अवे फ्रॉम टेम्पटिंग ट्रेड्स विच मे बी अ ट्रैप. सो कुछ ऐसे ट्रेड्स मार्केट में बनते हैं और रोज के रोज चलते हैं जो कि ट्रैप हो सकते हैं, तो वुमन कैन ईजिली से नो कंपेयर टू मैन. सो बिकॉज जनरली मैन में ऐसा देखा हुआ है कि देखा गया है कि वो अगर टेम्पटिंग ट्रेड दिखे तो उस ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं और कभी कभी वो ट्रेड ट्रैप भी साबित होता है, बट उस केस में वुमन कैन बिकम मोर सक्सेसफुल. तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों जिसमें हमने ये देखा कि हाउ वाई एंड हाउ वुमन कैन बी अ बेटर ट्रेडर. ये दोनों को बेनिफिशियल है. देखिए ये जो मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी है दोनों मैन एंड वुमन उसमें शामिल है, तो ये पॉइंट जो बताया मैंने ये दोनों को ही बेनिफिशियल है और ये रूल्स अगर दोनों कम्युनिटीज़ फॉलो करें तो ये पूरे मेरे ट्रेडिंग चैनल के लिए बेनिफिशियल होगा और ये सब के लिए बेनिफिशियल होगा. अगर हम ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करें, उसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉलो करें, मनी मैनेजमेंट जो होता है उसको फॉलो करें, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, तो ये हमारी ट्रेडिंग को और सक्सेसफुल बनाती है दोस्तों. तो ये था एक आज का एक कंटेंट. देखिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर भी करिए, और हमारे जो वुमेन
ट्रेडर्स जो बनना चाहते हैं, जो वुमेन कुछ करना चाहते हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइए सो दैट उनको मोटिवेशन मिले कि कुछ बिजनेस में आ सके। और ऐसे ही आगे चल के भी मैं वीडियोस डालते रहूँगा, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।